हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप पाइथन में स्टैक जो कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो आप ना तो पुश को इग्नोर कर सकते हैं ना तो पॉप को इग्नोर कर सकते हैं। पॉप के बारे में हमने डिस्कस किया है, एक बार आइए और देख लेते हैं पॉप क्या होता है। तो यहां से मैं न्यू फाइल ले लेता हूं और अब यहां पर हम कुछ कोडिंग करेंगे जिससे आपको पॉप का और पुश का पता चलेगा। तो पहले मैं आपको पॉप बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं सिटी एक लेता हूं और यहां पर इज इक्वल टू, यहां पे मैं बना रहा हूं एक लिस्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं और यहां पर मैं लिखता हूं देवरिया। तो ये पहला नाम दे दिया हमने देवरिया सिटी के अंदर। दूसरा नाम क्या करता हूं, यहां पे दे देता हूं गोरखपुर। तो ये दे दिया गोरखपुर, ओके। और गोरखपुर देने के बाद जो तीसरा नाम देंगे, देखिएगा सिंगल रोटेड कॉमा या डबल रोटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखिएगा इसको, जैसा कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो तीसरा देना है वो वाराणसी देना है, तो ये लिख दिया वाराणसी, ओके। तो ये हमने कर दिया वाराणसी। और यहां पर भी सिंगल रोटेड कॉमा या डबल रोटेड कॉमा जो भी आपको देना है, जो आप दे रहे हैं, जैसे मैंने सिंगल रोटेड कॉमा दिया है तो मैं यहां पे सिंगल रोटेड कॉमा ही दे रहा हूं, ठीक है। और एट लास्ट लिख देता हूं लखनऊ, ठीक है। तो ये लिख दिया लखनऊ। तो अभी ये हो गया, इस लिस्ट को क्लोज किया यानी इसे बंद किया और अब हम इसमें पॉप देखेंगे यानी पॉप जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर आ जाते हैं नीचे, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमने लिस्ट बनाई है और यहां पर हमने इसे नाम दिया सिटी, तो यहां पर हमें लिखना है सिटी, ठीक है। और यहां पे लिखिएगा डॉट पॉप। अब देखिएगा पॉप का यूज, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, वन। एरे की इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहां पे जीरो लिखता हूं तो यहां पर जीरो वाला, जैसे जीरो वाला छोड़ करके और बाकी सब दे देगा। यानी कि जीरो पे कौन सा है, जीरो पे देवरिया है पहले नंबर पे जो है। एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो ये काउंट कीजिए जीरो, फिर ये वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, आगे और भी होगा तो और भी बढ़ते चले जाएंगे। एंटर करके नीचे आना है और यहां पर इसी को प्रिंट करवा देना है। तो यहां पे लिखिएगा प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद वो नाम दे दीजिएगा जो आपने दिया था, यानी कि सिटी हमें दे देना है। कोई डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा नहीं देना है। और अब इसको रन करवाते हैं, रन करवाते वक्त ही हम इसको करेंगे सेव। तो यहां से इसको सेव कर लेता हूं मैं किसी भी नाम से और डॉट पी वाई लगा के सेव करूंगा। ये हो गया आपका डॉट पी वाई, तो ये सेव हो गया। और यहां पर देखेंगे तो यहां पे देवरिया छोड़ करके गोरखपुर वाराणसी प्रिंट हो रहा है और लखनऊ प्रिंट हो रहा है। देवरिया क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि देवरिया की इंडेक्सिंग होती है जीरो। पॉप का मतलब होता है रिमूव, आप इसे रिमूव ही कह सकते हैं, ठीक है, इसे रिमूव भी कह सकते हैं आप। तो अगर मैं यहां पे वन रख लेता हूं, देखिए अगर मैं वन रखता हूं तो देवरिया प्रिंट होगा, गोरखपुर नहीं प्रिंट होगा, वाराणसी प्रिंट होगा और लखनऊ प्रिंट होगा। तो एक बार चलिए रन करवा लेते हैं, देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहां से इसको रन करवाया तो आप देख सकते हैं देवरिया वाराणसी और लखनऊ प्रिंट हो रहा है, जो जैसा कि मैंने बताया था। अगर मैं यहां पर टू रखता हूं तो इंडेक्सिंग में ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, यानी वाराणसी नहीं प्रिंट होगा, बाकी सारी चीजें प्रिंट होंगी। तो यहां पर देखिए इसको रन करवा लेता हूं और आप देखेंगे तो यहां पे वाराणसी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। तो ये पॉप था, ठीक है। अब इसके बाद पुश देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और नई फाइल ले लेता हूं यहां से, या फिर इसी पे हम यूज कर सकते हैं। चलिए नई फाइल बना लेते हैं, यहां पर इस बार मैं नेम नाम से बना लेता हूं। तो एन ए एम ई नेम कर दिया हमने और यहां पर नाम लिखेंगे, लिस्ट के अंदर नाम लिखेंगे। तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं अपना, ये नाम लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं रमेश, ठीक है। और एक और नाम लिख देता हूं, ये सिंगल डॉट कॉमा या डबल डॉट कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और यहां पे कॉमा दिया, फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे लोकेश कर देते हैं। तो ये तीन नाम मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर इसको क्लोज करता हूं, एंटर करके नीचे आता हूं। जैसे ही नीचे आएंगे तो अब हमें क्या करना है, यहां पर एक्सेस, जैसे नेम है ना, हमने नाम दिया था ना, यहां पे लिखेंगे नेम और हमें अपेंड करवाना है। वहां पर हम क्या लिख रहे थे, पॉप लिख रहे थे, यहां पर अपेंड करवाना है, यानी हमें यहां पर क्या करना है, क्या करना है, पुश। तो यहां पे इसके लिए अपेंड लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, अपेंड। और यहां पर क्या दे देंगे, जैसे इसके अंदर हम कोई और भी नाम इंक्लूड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं इंक्लूड करना चाहता हूं रीता डॉटेड कॉमा में, तो ये डबल डॉटेड कॉमा में हमने लिख दिया, या सिंगल डॉटेड कॉमा भी आप यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको प्रिंट करवाते हैं, तो देखिएगा ये जो लिस्ट है इसमें कौन कौन से नाम है, सूरज है, रमेश है, लोकेश है। लेकिन जब हम इसको पुश करेंगे, इसमें एक चीज और इंक्लूड करेंगे, अपेंड करवाएंगे, तो फिर देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहां पे नेम नाम से जो वेरिएबल बनाया था इसको प्रिंट करवा देता हूं। यहां से इसको रन करवाते वक्त ही हम सेव कर लेंगे, तो यहां से चलिए इसको सेव करते हैं। तो ये यहां पर जाकर के और इसे कोई भी नाम देकर के डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। तो अभी देखेंगे कि इसमें देख सकते हैं कि नहीं, चलिए फिर से कुछ अपेंड करवा के देखते हैं कि और भी नाम इसमें अपेंड हो पा रहे हैं या नहीं, या
जो पुश मैंने बताया वो हो पा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे डॉट अपेंड लगाइए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक और नाम जैसे मैं लिख देता हूँ उमेश, तो ये एक और नाम हो गया डबलेटेड कॉमा के अंदर मैंने रख दिया है, और नेम नाम से जो बनाया था उसी को प्रिंट करवाना। तो यहां से जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे, ये सेव करेगा और यहां पर देखेंगे तो यहां पे उमेश भी प्रिंट होकर आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि बात ये समझ में आ रही होगी। अगर फिर हम यहां पर देखिए, यहां पे फिर मैं लिखता हूं NAME नेम डॉट, और फिर यहां पर लिखता हूं मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहां पर मैं यूज करने वाला हूं पॉप, ठीक है, क्या यूज करूंगा पॉप, तो यहां पर लिखा POP पॉप, और फिर इसमें से एक नेम मैं रिमूव कराना चाहता हूं। कौन सा नेम रिमूव कराना चाहता हूं, जैसे मैं सूरज को रिमूव कराना चाहता हूं, वाले को यहां से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो यहां पर पॉप का यूज किया है हमने। अब इसको हम यहां से रन करवा देते हैं, तो ये सिंपल वे में यहां से जाकर के ओके किया, तो दो नंबर पे कौन सा था आप देख सकते हैं, यहां पर ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, फिर आगे ये थ्री पे ऐड होगा, ये फोर पे ऐड होगा, तो जीरो वन टू, यानी लोकेश यहां पर आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें यहां पर आपको मिल रही है, ठीक है। फिर ऐड भी करवाना चाहते हैं तो सेम इसी को मैं क्या करता हूं, यहीं से कॉपी कर लेता हूं, यहां से कॉपी करके नीचे यहां पर पेस्ट कर देता हूं, यही चीज ऐड हो जाएगी। क्या रेपिटेशन अलाउड है, लिस्ट है ना ये, देखिए ये लिस्ट बनाया मैंने, लिस्ट में रेपिटेशन अलाउड होता है, यानी कि उमेश नाम दो बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहां पर चल करके इसको रन करवा देता हूं यहां से, तो आप देखेंगे यहां पे उमेश दो बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है, ये बात याद रखिएगा। ओके ओके।